साहब की कर दे पे हो भाई। सही होगा ये साइड ऊपर ना लाइन ही लगा रहे हैं पहले, तो उसके बाद जो है ये जी ग्रेस वॉल, तो ये लाइट ग्रीन है, इस पे इसकी ना छत लगाई जाएगी बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्लान जो है एकदम से हो गया चेंज, मिस्त्री भाई पहुँच चुके हैं छत पे और वो लाइनिंग शाइनिंग लगा रहे हैं। तो जो ग्रेस वॉल है ना वो सिर्फ छत पे लगाई जाएगी, जो दीवारें हैं उस पे पेंट किया जाएगा, ये डिसाइड हो चुका है। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किए हैं उस वॉल जो है वो अच्छा नहीं होता भाई, असल में जब नमी आती है ना दीवार के साथ तो फिर ये गिरना शुरू हो जाता है। कुछ दोस्तों का ये कहना था, तो कुछ दोस्त कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा होता है। तो छत पे सबसे पहले ये डोरी लगा रहे हैं भाई जान। अगे उस्ताद जी की ला रहे ग्लू सिलिकॉन लाल सिलिकॉन के साथ लगाई जा रही है जी। नहीं यानी सुख जाएगी, पकड़ कर जाएगी, ठीक है ना? दोबारा कटेगी नहीं, कितनी देर रहेगी नाम। सही हो गया जनाब, डोरी जो है वो सारे कोनों में लगा दी गई है ये देखिए। तो ये काम जी स्टार्ट हो गया, ऐसे लगाया जाएगा ये ग्रेस बाल्टी। इस बाल्टी से लेके हाथ पे रखते हैं भाई, तो हाथ से उस रुमाले के साथ ऊपर लगा रहे हैं। तो मैं और उस्ताद आ गए हैं दोबारा जो है ना शॉप पे। तो यहाँ पे अभी कलर डिसाइड करके वो लेके जाएंगे, क्योंकि वो पहले वाला जो प्लान था वो हो गया चेंज हमारे मिस्त्री साहब, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कलर दिखाओ सानू सारे ना दीवारों पे, ठीक है जी? ये दो कलर तो हो गए, ये जो लेके गए थे हम पहले वाले। की हो गया उस्ताद जी, प्लान चेंज हो गया, जड़ियां दीवारां ने हर दीवार नु लैदा लैदा कलर कर दिया करना लाइट, ये नहीं सही। ठीक है, एक दो तीन चार, अभी ये हो गया। ये कह रहे हो उस्ताद जी तुम, हाँ वीडियो चेक की है? वीडियो चेक करो, बहुत ज़्यादा कलर है माशाल्लाह से, ये देखेंगे जिस टाइम पर वेदर शीट सारा माल है ये। आप एक दो तीन और चार, ये दरवाजे के लिए गेट और जो बैठ का दरवाजा है और ग्रिल के लिए। उस्ताद आ रहे थे तो रास्ते में ये जो है ना ये वाली तार जो क्लच वाली है ये टूट गई थी, तो वैसे भी गाड़ी का काम कराने वाला था काफ़ी ना, तो फिर हम लोग ने उस्ताद को बताया। ये वही उस्ताद हैं जिन्होंने पहले गाड़ी जो है ना उसकी ट्यूनिंग ऑयल वगैरह चेंज किया था, तो अभी वो कर रहे हैं। तो अभी बाइक ले कर फिर रंग वाले बाइक की तरफ जाएँगे और रंग ले कर जाएंगे। एक तो क्लच वाली जो तार है वो केबल यानी कि वो टूट गई थी क्लच, और दूसरा ट्यूनिंग श्यूनिंग इंजन ऑयल चेंज होना था वो सारा हो गया। तो एक ये जो सीट है इसकी जो है ना ऊपर वाला कवर फटा हुआ था, ये अभी सारा चेंज हो गया, मुकम्मल ही काम करवा लिया एक दफ़ा, फिर अभी बाइक बंद हो गई। एक ये मिक्स कर लिया हमने और एक ये इस साइड पे भाई जान लगाना शुरू कर दिया भाई जान ने, ये देखिए माशाल्लाह ये चीज़।
माशाल्लाह से इस दीवार पे ये पेंट कंप्लीट हो गया माशाल्लाह। दोनों दीवारों को सिंगल सिंगल कोट हो गया। अभी भाई जो ऊपर रह गया वो सामने, क्योंकि वो सामने छत है ना, छत में बुरिश के साथ करेंगे आराम से, ताकि ऊपर जो है ना वो लगे ना ये वाला रंग ऐसे। और अभी डबल कोट करना है सारे ना इन दोनों को, उसके बाद फिर ये जो दीवारें रह गई हैं, एक ये और एक ये, इनको लैला लैला कलर करवाना। इस दीवार को भी सिंगल कोट हो गया है और इसको भी हो गया है। ये वही है पिंक लाइट और ये दूसरा, ये जो कार भाई के घर में हुए हैं। तो बैठक की जो दीवारें हैं चारों, उनको अलहदा अलहदा कलर मैंने करवा दिया है। ये अलहदा, ये अलहदा और ये अलहदा, ये अलहदा। तो छत आपके सामने है। मौसम भाई बैठे हैं, मौसम भाई चेक कर रहे हैं। मौसम भाई अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी ठीक हो गए ना कलर? हाँ जी जबरदस्त माशाल्लाह, अच्छे कलर। अबू जान भी बैठे हैं और मिस्सी भाई अभी जान दम आ रहे हैं, जिससे हम बहुत मस्त माहौल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, ये जो हमारा गेस्ट रूम है ये रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। अभी मैं अपना रूम जो है ना वो भी रेडी करा रहा हूँ, वो आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा। और दूसरा जो बाहर का जो मेन गेट है हमारा, वो ये गेस्ट रूम का दरवाज़ा, इसको भी पेंट हो रहा है। अभी कलर बीची है और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, इधर से आप नज़र आ रहा है सही। और जो मेन दरवाज़ा उसको भी पेंट किया जा रहा है। तो ये जनाब पेंट होगा दियार कलर का, ये देखें। आज जो है गेट का पेंट जो है वो चेंज हो गया है, गेट का कलर यानी कि इधर से देखें, जब ये रेडी होगा फिर मज़ा करेगा। इसको भी करवाना और ये ग्रिल है इसको भी कराना। अभी मैं आपको अपने रूम का विज़िट कराता हूँ, उसमें भी काम हो रहा है। तो ये जनाब मेरा रूम है, मौज़म भाई बैठे हुए हैं सामने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मौज़म भाई और ये मिस्त्री भाई। तो ये रूम की जो छत है ये पर्पल कलर की लगाई जा रही है, जो इसकी साइडें ये यानी कि ये साइड छोड़ी है, बॉर्डर आप इसे बोलते हैं, ये लगाई जाएगी रेड कलर की। अभी हो रहा है जी रूम रेडी। तकरीबन काम कंप्लीट ही हो गया भाई, लगे हुए हैं अभी भी, ये देख सकते हैं आप, सामान बिखरा पड़ा सारा। रूम की छत और एक ये दीवार है, ये दीवार और ये। तो जनाब एक ग्रीन कलर कराया और दूसरा ये वाला कलर है माशाल्लाह से। ये चावल की फसल सबसे पहले लगी थी हमारे विलेज में, काफ़ी बेहतर हो गई है। जो भी लगी हैं उनकी ये सूरत हाल है। रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और हर तरफ खेतों में पानी पानी है, चावल की फसल लगाई जा रही है, ये देख सकते हैं आप सामने। और इस साइड पे जनाब पेंट वाले भाई लगे हुए हैं। ये पेंट थोड़ा सा ना बढ़ गया है तो इसको यहाँ पे हम लगा रहे हैं। क्या एक तो गेस्ट रूम रेडी कराया है, एक दूसरा मैंने अपना रूम रेडी कराया है, ये बढ़ गया। एक ये दीवार लगा दी है। रूम काफी गंदा हो गया, इसकी सफाई करनी है। ये जो नीचे गिरा हुआ है ना सारा, इसको साफ करना है। वाइट करें, वाइट जो शाबाश, ये पकड़ो जर लगाओ, शाबाश मैंने शाबाश शाबाश बड़ी खबर जर ऐसे ऐसे
माशाल्लाह से रूम जो है वो मेरा रेडी हो गया सारा, तो जब मुकम्मल होगा उसका भी विज़िट कराऊंगा। तो पेंट का जो काम था वो सारा कंप्लीट हो गया, सारा मामला गेस्ट रूम रेडी हो गया माशाल्लाह से। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, और जो हमने गेस्ट रूम रेडी कराया और मेरा जो रूम रेडी हुआ है वो भी आपको पसंद आया होगा। तो बस आज के लिए इतने था, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।